हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एएच और ईएसपी के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं आईपीसेक के अंदर, जिनके बेसिस पे आईपीसेक स्मूथली काम करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुछ बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि आखिर हैं क्या चीज़ें। ये एक डीप डाइव सेशन है, लेकिन डीप डाइव सेशन में जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इनकी डेफिनेशंस या इनके बारे में जो कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये एएच यानी कि ऑथेंटिकेशन हेडर क्या होता है, ये ईएसपी यानी कि एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड क्या होता है। तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो आप समझ लीजिए। जब हम ऑथेंटिकेशन हेडर की बात करते हैं तो इसके देखिए नाम में ही साफ साफ लिखा हुआ है, ये ऑथेंटिकेट करता है। इसका मेन काम ही ऑथेंटिकेशन है। क्या करता है, कैसे करता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ की सर्विसेज देता है। इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। इंटीग्रिटी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब जहाँ से ये डेटा आया है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है, वो सोर्स सही है कि नहीं। ऊपर से कनेक्शनलेस डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि जो डेटा हमारे पास है वो कहीं चेंज तो नहीं हुआ। तो ये दो चीज़ों का ये एएच या ऑथेंटिकेशन हेडर ध्यान रखता है। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है, वो एंटी रीप्ले। आपने सुना होगा रीप्ले अटैक्स हो जाते हैं, कई तरह के अटैक्स होते हैं। हैकर्स कुछ मटेरियल लेकर उसको रीप्ले करने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ हैक करा जा सके। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी यहाँ पे फीचर्स हैं जिसे हम एंटी रीप्ले अटैक्स बोलते हैं। इसी के अलावा एक तीसरा चीज़ एक और काम करता है, ये आईपी हेडर में कोई भी मॉडिफिकेशन के जो अटैक्स होते हैं, ऐसे बहुत चल रहे हैं, अगर इस तरह के कोई अटैक्स होते हैं तो उनके अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन देता है। तो ये कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो ऑथेंटिकेशन हेडर करता है। अब ये जो आप दूसरा देख रहे हैं जिसे हम ईएसपी बोल रहे हैं, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, अब आप ये समझिए कि जो कुछ अभी आपने ऑथेंटिकेशन हेडर के बारे में सुना ये वो सब कुछ करता है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और एक्स्ट्रा होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि किसी चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना, यानी कि प्राइवेट रखना, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करना, किसी को पता ना चले। एनकैप्सुलेट करना और इनक्रिप्ट करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइए। तो यानी कि जो ऑथेंटिकेशन हेडर होता है ये हमें प्राइवेसी नहीं देता, ये इस चीज़ का इंश्योर कर लेगा कि डेटा भी सही है, कोई चेंज भी नहीं हुआ है, जहाँ से आया है वो भी सही है। लेकिन उस डेटा को क्योंकि प्राइवेसी नहीं है तो उस डेटा को कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है, हाँ चेंज नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी बात है, चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी तो है, कुछ प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, वो एएच नहीं दे पाता। इसी वजह से आज के एनवायरनमेंट में एएच का बहुत कम यूज़ होता है और ईएसपी मोस्टली यूज़ होता है, क्योंकि जब सब कुछ दे रहा है जो ऑलरेडी एएच दे रहा है तो कोई एएच की तरफ क्यों जाए। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देंगे थोड़ी देर में, ये वीडियो का बेसिक है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं कुछ की डिफरेंसेस के बारे में। जो ऑथेंटिकेशन हेडर है इसकी जो आरएफसी है, जो लेटेस्ट आरएफसी है वो है आरएफसी 4302, इसके अंदर इसके बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह अगर हम ईएसपी की बात करें तो ईएसपी की आरएफसी है 4303। जब भी आपको इन दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ भी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप गूगल पे ये आरएफसी टाइप करके इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एएच जो होता है ऑथेंटिकेशन हेडर, इसका प्रोटोकॉल नंबर होता है 51, और जो ईएसपी होता है इसका प्रोटोकॉल नंबर होता है 50। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, कहीं भी कोई पूछ लेता है, किसी भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया एएच और ईएसपी के बारे में कि ये एएच जो है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी देता है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं देता। इसी की जगह पे जो ईएसपी है वो ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी के अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी भी देता है, यानी कि प्राइवेसी भी देता है, एनक्रिप्शन की फैसिलिटी भी देता है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं इसके। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया एएच में कोई इंक्रिप्शन नहीं होता और ईएसपी के अंदर डेटा इंक्रिप्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ प्लस पॉइंट भी है एएच का, क्योंकि इसके अंदर इंक्रिप्शन नहीं होता इसलिए सरदर्द कम होता है, ओवरहेड कम होता है। ओवरहेड किसके ऊपर? जो रिसोर्सेज हैं, सीपीयू है, रैम है, मेमोरी है, भाई किसी ना किसी कंप्यूटिंग डिवाइस पे चल रहे होंगे, तो जहां भी ईएसपी आएगा तो वहां पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आएगा जो कि बहुत हैवी होते हैं, तो उनको इनक्रिप्ट करना डिक्रिप्ट करना रिसोर्सेज चाहिए ज़्यादा। लेकिन जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो बैंडविड्थ सेंसिटिव होती हैं, वहाँ पर एएच जीत जाता है, वहाँ पर एएच की डिमांड हो जाती है। और वरना आजकल के एनवायरनमेंट में जहाँ पर टेराबाइट्स में बात होती है
वहाँ पे रेयरली ही ऐसी सिचुएशन आती है कि इतनी बैंडविड्थ स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो या फिर इतना हल्के रिसोर्सेज हो, वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मोस्टली ESP ही काम आता है, EH नहीं आता। आगे इसकी और डिटेल हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ESP का ये एक डिसएडवांटेज है कि उसका ओवरहेड ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो EH होता है ये नेट के साथ काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि EH IP हेडर को भी ऑथेंटिकेट कर देता है, यानी कि उसके अंदर जो सोर्स IP एड्रेस होता है उसको भी ऑथेंटिकेट कर देता है। अब जो नेट है उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि नेट का काम यही है एड्रेस ट्रांसलेट करना। अब जो वो ऑलरेडी ऑथेंटिकेट है उसको वो ट्रांसलेट कैसे करे? तो इसी वजह से EH और नेट साथ साथ काम नहीं कर पाते। जहाँ पर नेट होगा वहाँ पे EH नहीं चलेगा। इसी की जगह पर ESP जो होता है बड़े आराम से काम करता है। ESP को उसके हेडर को ऑथेंटिकेट करने से कोई मतलब नहीं है। ESP एनक्रिप्शन का काम करता है, बढ़िया काम करता है, नेट के साथ अच्छा चलता है। अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस रहे, अब इनको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ते हैं। डेप्थ में कैसे? अब ये सब जो काम कर रहे हैं ये EH और ESP, वो कैसे कैसे कर रहे हैं? जब भी हम बात करते हैं, हमने कहा कि जी जो EH है ये देगा हमें कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी। ये कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी देता कैसे है? इसके लिए ये एक हैश फंक्शन का यूज करता है। हैश फंक्शन, आपको ध्यान होगा मैंने कई सारी वीडियोज में बताया हुआ है हैश क्या होता है, कैसे काम करता है। आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए, जैसे TLS हैंडशेक हो गया, SSL हैंडशेक हो गया, ये जहाँ भी एनक्रिप्शन वाला कुछ भी फंडा होगा वहाँ पे मैंने हैश के बारे में ज़रूर समझाया होगा। तो ये हैश फंक्शन का यूज़ करता है, मैसेज आता है, पूरे मैसेज का जो इनपुट होता है उसको एक सिंगल हैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हैश की क्वालिटी होती है कि वो इरिवर्सिबल होता है, उसके अंदर अगर कुछ चेंज हो गया उसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए वो पकड़ा जाता है कि भाई किसी ने चेंज किया है। तो कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी होती है हैश फंक्शन की मदद से। उसके साथ एक शेयर सीक्रेट यूज कर दिया जाता है, जैसा कि हर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में यूज होता है। चाहे IPsec की बात करिए, IKE version 1, IKE version 2, SSL हैंडशेक, TLS हैंडशेक, किसी की बात करिए, वहाँ पे शेयर सीक्रेट का यूज होता है। क्योंकि यही एक बेटर तरीका है सिक्योरिटी को दोनों साइड पहुंचाना, उस की को दोनों साइड पहुंचाना, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ पाए लेकिन मीडिएटर कोई भी समझ ना पाए। तो इसके लिए शेयर सीक्रेट की का ही यूज होता है। इसी की जगह पे जो दूसरी फीचर है जिसको हम बात कर रहे थे कि ये डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन देता है। डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन देने के लिए ये IP पैकेट्स को ऑथेंटिकेट करता है। IP पैकेट ऑथेंटिकेट होते हैं उसकी वजह से पता चल जाता है कि हाँ भाई जहाँ से ये पैकेट्स आ रहे हैं वो सोर्स सही है, जेनविन है, उसका हम भरोसा कर सकते हैं। हमने जब बात करी तीसरी कि ये एंटी रिप्ले भी देता है। अब एंटी रिप्ले कैसे करता है? एंटी रिप्ले में सारा खेल सीक्वेंस नंबर का है। सीक्वेंस नंबर जो होते हैं वो एक बार जो भेजा गया, अगर कोई उसे दोबारा भेजने की कोशिश करता है, मतलब रिसीवर के पास जो सीक्वेंस नंबर था वो पहुंच गया एक बार, और अगर उसी सीक्वेंस नंबर को कोई मैन इन द मिडल दोबारा भेजने की कोशिश करेगा, तो सीधी सी बात है रिसीवर समझ जाएगा कि ये तो ऑलरेडी मेरे पास है, ये दोबारा कैसे आ सकता है, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। यानी कि जो एंटी रिप्ले अटैक्स होते हैं ये सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे काम करते हैं। तो यहाँ तक हमने की डिफरेंसेस समझ लिए कि जो EH और ESP के बीच में होते हैं, और अगर कोई हमसे पूछे EH और ESP के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो हम इन पॉइंट्स के बेसिस पे उसको डिफरेंसेस समझा सकते हैं। तो ये तो रही एक बिगिनर लेवल की बातें, जो फ्रेशर नेटवर्क इंजीनियर या L1 नेटवर्क इंजीनियर, उनको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। लेकिन देखिए, आप इस चैनल पे आए हैं वीडियो देखने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है ये बेसिक देखने तो नहीं आएंगे, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब आप जो देखने आए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को डीप डाइव मोड पे लगाते हैं और चलते हैं इन डेप्थ सेशन पे।